अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो आज हम इस अडैप्टर को, जो कि 10 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का अडैप्टर है, इसे वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे, जहां पे हम इसके इस साइड में हम पोटेंशियोमीटर फिट करेंगे इसके अंदर में। तो इस ये एक ट्रांसफार्मर वाला अडैप्टर है और इसमें मैं इसे वेरिएबल बनाने के लिए मैं इस पर बहुत ही पॉपुलर इस पर बहुत ही पॉपुलर वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि LM317T है, मैं इस पर यूज़ करूँगा। इस पर हीट सिंक भी पहले ही से अटैच है करने वाले, जैसे कि ये कैपेसिटर, ये 10 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर, और हमें दो डायोड चाहिए जिसका नंबर है IN4007, सॉरी दो, और हमें 220 ओम्स रेजिस्टेंस चाहिए होगा, 104 PF, और हमें चाहिए एक 5K पॉट। एक कॉपर डॉट वेरो बोर्ड। तो अब हम इस चार्जर को भी खोल के देख लेंगे कि इसके अंदर कैसे यूज़ किया गया पावर सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो हम इस PCB को जो लेंगे वो इस तरफ फिक्स करेंगे कि इसी तरफ स्पेस है और यहाँ पे हवा जाने के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि हमारा IC थोड़ा हीट होगा। तो चलिए अब सर्किट इस पे लगा लेते हैं, कंपोनेंट्स लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे सब कंपोनेंट्स लगा लिया है, सोल्डरिंग नहीं किया अभी, और जो हम IC है वो इस तरह से लगाएंगे कि वो अच्छे से फिट हो जाए। तो चलिए अब हम इसे सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्किट देख सकते हैं आप, पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हमने इस पे पॉट लगाना है और आउटपुट का वायर लगाना है, जो कि हमारा ये वायर जो देख रहे हैं आप, ये आउटपुट का है। तो हम इसे इस सर्किट से निकाल के इस पे लगाएंगे, इस पे लगा लेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लैक और रेड वायर, ये हमारा इनपुट है, जो यहाँ से लेंगे हम इनपुट, और ये आउटपुट है जो यहाँ पर से देंगे हम। चलिए अब इसके वायर को भी खोल लेते हैं। हम इसे साइड कर लेते हैं और इसका जो ये 3 नंबर वाला है, सॉरी 2 नंबर का जो ये बीच वाला गया है, ये हमारा आउटपुट है। हम इस पर ये वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा वायर लगा लिया है, ये हमारा आउटपुट वायर है और ये हमारा इनपुट है, ये हमारा पॉट का है, ये हमारा LED का प्लस है और ग्राउंड हम पॉट से ले लेंगे। तो LED हमने इस तरफ लगाया है, देख सकते हैं आप। चलिए बाकी का वायरिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ये 5K का पॉट है और ये हमारा नेगेटिव लेग है, LED का नेगेटिव लेग है। तो हम ये दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे और एक पॉइंट में हम इसका ये वायर लगाएंगे और एक में ग्राउंड का वायर लगाएंगे। अभी हम इन दोनों को शॉर्ट कर लेंगे, देख सकते हैं आप। अब हम इसके पॉजिटिव पिन में हम 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा वायरिंग कर लिया है, इसका प्लस माइनस भी यहाँ पर लगा दिया है। ये नॉब लगा लिया हमने, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरी तरह से इसे चिपका दिया है, सील कर दिया है ग्लू गन से, क्योंकि जो स्क्रू का जो सॉकेट था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। और ये अभी हम टेस्ट भी करेंगे इसका, और जब हम इसका वोल्टेज को कम करेंगे तो एलईडी का भी ब्राइटनेस भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे आउटपुट पर लगाया है। और यहाँ पे हमने थोड़े से होल्स कर दिए हैं देख सकते हैं आप, ताकि एयर अंदर जा सके, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमने होल्स कर दिए हैं, ये तो पहले ही से किया था हमने। तो चलिए अभी सर टेस्ट कर लेते हैं, इसका वायर लगा लेते हैं। तो ये जो लाइन वाला वायर दिख रहा है इसे हमने नेगेटिव लगाया था जैसा कि आपको याद होगा, और तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगा लेते हैं। और ये तो पॉजिटिव में लगा लेते हैं, और वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी देख सकते हैं पूरे 12 वोल्ट के अप्रॉक्स दिखा रहा है। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है। चलिए अब हम इसे कम करते हैं, तो देख सकते हैं ये कम हो रहा है, तो हम इस तरफ से जब करेंगे तो ये बढ़ेगा, और इस तरफ जब करेंगे तो ये कम होगा। तो अगर आप में ये उल्टा काम कर रहा है तो आप इसके वायर बदल से काम करने लगेगा, इसको पॉट का वायर बदल ले, तो देख सकते हैं कितना अच्छा से वर्क कर रहा है ये। अब इसमें हम लोड लगा लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये टेप लगाया है ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो चलिए अब इसे हम कम करते स्पीड, वोल्टेज कम करते, देख सकते हैं कितना अच्छे से कम हो रही है। ये 1 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक रहेगा। अब इसका हम करंट देख लेते हैं कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, और ये दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने एम्पेयर में लगा लिया है, भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरह से वायरिंग कर लिया देख सकते हैं आप। तो चलिए अब देखते हैं इसका एम्पेयर, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना करंट ये दिखा रहा है। ये आपके छोटे से लैब के लिए बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई होगा, इसे ज़रूर आप बनाएं। अगर आपको इससे कुछ पूछना हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर कर दें, और मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाता रहूँगा। आई होप आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।